देश की राजधानी दिल्ली में रेप की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर आपका मन आक्रोश से भर जाएगा। 9 वर्ष की बच्ची का ना सिर्फ रेप किया गया बल्कि उसकी हत्या कर दी गई और साथ ही उसका जबरन अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक पुजारी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कैंट के पास एक गांव में शमशान में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने और उसके बाद उसका शव अंतिम संस्कार करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पुजारी सहित 4 आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की के शव का उसके माता पिता की सहमति के बिना ही पुलिस को सूचित किए बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मामला तब सामने आया जब रविवार रात पीड़ित परिवार ने स्थानीय लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने पीड़िता की मां को बताया कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है। उन्होंने लड़की के परिवार वालों से यहां तक कह दिया कि अगर मामला पुलिस तक पहुंचता है तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा और डॉक्टर उसके महत्वपूर्ण अंगों को निकाल कर बेच देंगे। शाम करीब 6 बजे पुजारी और परिवार के परिचित 3 लोगों ने लड़की की मां को फोन किया और बच्ची का शव दिखाया। उन्होंने दावा किया कि कूलर से पानी पीने के दौरान बिजली का करंट लगने से लड़की की मौत हो गई। उन्होंने इसकी कलाई और कोहनी पर जलने के निशान भी दिखाए और यह दावा करते हुए दिखाई दिए कि सदमे के कारण उसके होंठ भी नीले पड़ गए थे। पुलिस के मुताबिक रविवार रात करीब 200 ग्रामीण शमशान घाट पहुंचे और सोमवार शाम तक धरना दिया गया और मांग की कि गिरफ्तार लोगों पर बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया जाए। लड़की के परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को कुछ राजनेता भी धरने में शामिल हुए। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी सोमवार शाम पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को आर्थिक और कानूनी सहायता देने का वादा किया। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376 और 506 के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल फ्लेवर्स न्यूज़।